वेलकम टू टेक एक्सपर्ट, स्वागत है आप सभी का साइंस फन और इलेक्ट्रिक की बिल्कुल ही नई दुनिया में। दुनिया भर में इस समय इलेक्ट्रीकरण का युग चल रहा है। तकरीबन हर देश इस दिशा में प्रयासरत है कि वो अपने यहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटरों की डिमांड को बढ़ावा दे। गाइस, आपने डीजल, पेट्रोल और गैसोलीन से चलने वाली गाड़ियां तो देखी और चलाई होगी। फ्यूचर स्कूटरों में तो अब पानी और बैटरी से चलने वाली स्कूटर भी मार्केट में आने वाली है। इसी क्रम में भारत में भी इलेक्ट्रिक वाहनों की लगातार संख्या बढ़ रही है। इसी बीच आज हम लाए हैं 3 सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड स्कूटर, जिनकी कीमत जानकर आप लोग सोच में पड़ जाओगे। इन स्कूटरों को आप पेट्रोल और इलेक्ट्रिक के जरिए चला सकते हैं। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। होंडा PCX 125 हाइब्रिड स्कूटर। होंडा अपना पहला हाइब्रिड स्कूटर PCX 125 को जापान में लॉन्च किया है। PCX 125 हाइब्रिड में 125cc फ्यूल इंजेक्टेड सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो कि 12 bhp का पावर जनरेट करता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रिक मोटर दिया गया है, जो कि 48 वोल्ट लिथियम बैटरी से पावर लेगा और 2 bhp का पावर जनरेट करेगा। इस लिहाज से देखें तो स्कूटर कुल 14 bhp का पावर जनरेट करेगा। इस स्कूटर को स्टार्ट करने के बाद 4 सेकंड तक इसका इलेक्ट्रिक मोटर एक्टिवेट रहता है। इससे स्कूटर को बेहतरीन स्पीड मिलती है और पेट्रोल मोटर पर लोड भी कम पड़ता है। इससे ईंधन खपत भी कम हो जाती है। होंडा PCX 125 हाइब्रिड डी और एस दो राइडिंग मोड के साथ आएगा। एस मॉडल में इंजन जरूरत के हिसाब से एक्स्ट्रा पावर जनरेट कर सकेगा। इसमें होंडा स्मार्ट की सिस्टम दिया जाएगा। कंपनी का दावा है कि यह 50 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देगा। डायमेंशन की बात करें तो इस स्कूटर की लेंथ 1925 mm विथ 745 mm, हाइट 1105 mm और 1315 mm व्हील बेस दिया गया है। होंडा PCX 125 का मैक्सिमम ग्राउंड क्लियरेंस 137 mm, सीट हाइट 764 mm और कर्ब वेट 135 kg दिया गया है। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो इस स्कूटर में 2% आसानी से बैठ सकते हैं और इसकी सीट काफी कंफर्टेबल दी गई है। भारत में इसके लॉन्चिंग को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। अभी कंपनी इसे केवल जापान में बेचेगी। जापान में बेची जाने वाली इसकी 2000 यूनिट्स का निर्माण वियतनाम में हुआ है। इसमें एलईडी हेडलैम्प्स नहीं दिया गया है और बैटरी को सीट के नीचे प्लेक्स किया गया है। होंडा ने भारत में इस स्कूटर का फुल इलेक्ट्रिक वर्जन 2018 ऑटो एक्सपो में पेश किया था। इससे पहले इसका पेट्रोल मॉडल 2014 ऑटो एक्सपो में पेश किया गया था। अभी ये क्लियर नहीं कि PCX 125 हाइब्रिड स्कूटर भारत में आएगा या नहीं। कीमत की बात करें तो इस स्कूटर को 3 लाख रुपए में बेचा जाएगा। इंडियन मार्केट में पेट्रोल से चलने वाली बाइक की बड़ी रेंज मौजूद है। ये पावरफुल इंजन के साथ दमदार माइलेज वाली अलग अलग कैटेगरी में आती है। वही हीरो मोटर को 2014 में एक ऐसी बाइक अनवील कर चुकी है जो डीजल से चलती है। कंपनी ने इसे अब तक लॉन्च तो नहीं किया है, लेकिन इसके प्रोजेक्ट R&D पर काम चल रहा है। इस बाइक की खास बात है कि ये डीजल के साथ बैटरी से भी चलेगी। कंपनी इस बाइक पर बहुत ही ध्यान और गंभीरता से काम कर रही है और माना जा रहा है कि अगले 2 वर्षों के भीतर इसे बाजार में पेश कर दिया जाएगा। हीरो मोटर कॉर्प के MD और CEO पवन मुंजाल ने बताया कि अभी इस बाइक का कॉन्सेप्ट तैयार है। फिलहाल इसे R&T का नाम दिया गया है। 150cc इंजन में ये डीजल से चलने वाली शायद दुनिया की पहली बाइक होगी। इसे खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल के लिए बनाया जा रहा है। गाइस, छोटे शहरों में भी इसका यूज होगा। इसके हैंडलैम्प रिमूवेबल दिए गए हैं ताकि आप इसे अलग कर रोशनी के लिए कहीं भी इस्तेमाल कर सकें। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर भी लगी है जो अगले पहियों से चार्ज होती रहेगी। शहर या भीड़भाड़ वाले इलाके में सिर्फ इस मोटर से ही इसे चलाया जा सकेगा, जिससे पेट्रोल की बचत होगी। गाइस, इस बाइक को हीरो कंपनी ने डिजाइन किया है। कंपनी ने जनवरी 2014 में R&T डीजल हाइब्रिड बाइक की पहली झलक भी दिखाई थी। इस बाइक में डीजल के साथ बैटरी मोड भी दिया गया है, यानी बाइक को बैटरी पर भी चलाया जा सकता है। इसमें 150cc का लिक्विड कूल्ड टर्बोचार्ज इंजन है, जो ऑप्शनल टर्बोचार्जर के साथ आता है। कंपनी इस बाइक में फ्लैट लोडिंग सरफेस, मल्टी यूज फोल्डिंग, साइड रैक, आरामदायक सीट और स्पेशल फुटबोर्ड जैसे फीचर दिए गए हैं। हीरो की R&T में पावर टेक ऑफ,
पीटीओ शाफ्ट भी दिया गया है। इस पीटीओ का यूज जनरेटर के तौर पर भी किया जा सकता है। देश के सामने दी गई एलईडी लैंप को अलग कर उसका इस्तेमाल रोशनी के लिए कर सकते हैं। इसका फ्यूल टैंक 6 लीटर का होगा। इस बाइक की टॉप स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस बाइक का डीजल टैंक फुल करके और बैटरी फुल चार्ज करके 340 किलोमीटर का सफर तय कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बाइक की कीमत 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच हो सकती है। दोस्तों, हीरो यह बाइक लॉन्च करता है तो ये दुनिया की सबसे सस्ती और ज्यादा फीचर वाली बाइक होगी और खासकर मिडिल क्लास वालों के लिए दमदार साबित होगी। साइलेंस S02LS इलेक्ट्रिक स्कूटर। साइलेंस S02LS बेसिकली एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ना कि हाइब्रिड। ये स्कूटर दिखने में काफी स्मार्ट लगता है, इसलिए हमने इस स्कूटर को लास्ट में रखा है। स्पेन की बेस्ट स्टार्टअप कंपनी साइलेंस ने इस स्कूटर को लॉन्च किया है। साइलेंस ने इस स्कूटर का नाम S02LS रखा है। कंपनी की स्थापना 2011 में हुई थी और ये स्पेन का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर विक्रेता है और कंपनी की अपनी खुद की फैक्ट्री है। साइलेंस S02LS पॉपुलर S02 मॉडल का नया मोबाइल वर्जन है। S02LS का उद्देश्य उन दुकानों और रेस्तरा से है जो ग्राहकों तक सामान पहुंचाने के लिए एक इको फ्रेंडली और किफायती तरीके की तलाश में है। कंपनी के सीईओ कार्लोस मोटेलो कहते हैं कि साइलेंस स्क्रूर को शहर के चारों ओर घूमने के लिए और बिजनेस टू बिजनेस यूज के लिए डिजाइन किया गया है। ये स्कूटर डिलीवरी बॉयज, मार्केट सप्लायर्स आदि द्वारा इस्तेमाल किए गए अन्य लोगों के लिए एक रिप्लेसमेंट हो सकती है जो मुसाफरों का इस्तेमाल डेली इनकम सोर्स के रूप में करते हैं। पावर और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस स्कूटर में 1500 वॉट की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। इसके अलावा साइलेंस S02LS स्कूटर को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से दौड़ा सकते हो। इसके अलावा साइलेंस S02LS स्कूटर में 2 kWh की रिमूवेबल लिथियम आयन बैटरी दी गई है, जिसे बल्ब फुल चार्ज करके 55 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप राइड ले सकते हो। साइलेंस S02LS स्कूटर की बैटरी को 5 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। खास बात यह कि इस स्कूटर में बिल्ट इन ट्रॉली दी गई है। इसकी बैटरी को ट्रॉली की मदद से बाहर निकालकर चार्ज भी कर सकते हो। इस स्कूटर में बिल्ट इन 600 वोल्ट का चार्जर भी दिया गया है। इस स्कूटर की बैटरी में एक बिल्ट इन 55 वोल्ट का हीटर भी दिया गया है जो ठंडे तापमान में -20°C में बैटरी को चार्ज करने में सक्षम बनाता है। साइलेंस S02LS स्कूटर में सिटी, स्पोर्ट्स एंड इको जैसे 3 राइडिंग मोड्स दिए गए हैं। इसके साथ इस स्कूटर में रिवर्स मोड भी दिया गया है। साइलेंस S02LS स्कूटर के फ्रंट में एलईडी हेडलाइट्स और रियर में एलईडी टेललाइट्स दी गई है। इसके साथ ही साइलेंस स्कूटर के रियर में 47 लीटर का कार्गो बॉक्स भी दिया गया है। इस स्कूटर का फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक्स दिया गया है। इसके अलावा इस स्कूटर में काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम KERS या रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है, जिसमें ब्रेकिंग से ऊर्जा बैटरी में वापस आ जाती है और इसकी रेंज को काफी बढ़ा देती है। इसके अलावा इस स्कूटर में डिजिटल डैशबोर्ड दिया गया है, जिसमें स्पीडोमीटर, बैटरी लेवल जैसी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा इस स्कूटर में 4G 5G कनेक्टिविटी के लिए एक सिम स्लॉट भी दिया गया है, जिसे स्मार्टफोन ऐप से कनेक्ट करके आप इस स्कूटर को बिना चाबी के भी चला सकते हो। कीमत की बात करें तो इस स्कूटर को $4,000 में खरीद सकते हो। अगर कन्वर्ट कर इंडियन रुपीस में तो इस स्कूटर को आप 3 लाख रुपए में खरीद सकते हो। तो दोस्तों, ये थी टॉप 3 हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारी चैनल टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।